बोले शीतला माता की जय। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी आई और शीतला अष्टमी के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुप चुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कफ के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मर्त प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मर्त बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापी नहीं हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुण्य ऐसा कर्तव्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे शब्दों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुण्य गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। जय शीतला माता।